चलो आज हम बनाएंगे मिर्च का अचार। वैसे तो मिर्च का अचार आप कभी भी बना सकते हैं, लेकिन सर्दियों में जो मिर्च आती है उसका अचार एक अलग ही टेस्ट होता है। तो आज चलिए अब हम बनाते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं हरी मिर्च, जो भी हमने साफ धो कर पोंछ ली है, और ये है सभी मसाले जो हमने लिए, सौंफ, कलौजी, धनिया, राई, मेथी दाना और लाल मिर्च, और हल्दी और नमक हम देंगे स्वाद अनुसार। तो ये सभी हम मसाले हमने निकाल लिए हैं। ये सभी मसाले हम बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और हमने लिया है तेल, ये तेल हमने 250 ग्राम लिया है, जिसे हमने पहले ही कलौंजी डालकर हमने गर्म कर लिया है, और जब हम इसे डालेंगे तो गुनगुना कर लेंगे। और ये है हमारा पैन को हम गर्म करेंगे, इसमें हम डालेंगे सौंफ। सौंफ को हम इसका कलर चेंज होने तक भूनेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस इसके हल्का सा इसे इस तरह से रोस्ट करना है कि जब हम इसे दबाएंगे तो ये अच्छे से टूट जाए इस तरह से। और इसके बाद हम इसे दरदरा पीसेंगे। तो देखिए इसका हम कलर चेंज हो चुका है सौंफ को, तो सौंफ को हम निकाल लेंगे। और ये ध्यान रखना है सौंफ बिल्कुल धीमी आंच पर सेकना है, जलना नहीं चाहिए मसाला, नहीं तो इसमें स्मेल आ जाती है। सौंफ को हमने पूरी तरह से भून लिया है, इसे हम निकाल देंगे। और धीमी आंच पर आपको चलाते रहना है। और इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि सौंफ को आपको देर लगती है भूनने में, तो धीरे 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 ये अपना कलर चेंज करेगी। और इसके बाद जब हम धनिया और राई को जब हम भूनेंगे, तो ये राई जल्दी हमारी रोस्ट हो जाती है, तो इसलिए धनिया और राई को एक साथ भूनेंगे, तो ये जलेगी नहीं और अच्छे से भुन जाएगी। ये इसका कलर चेंज हो गया है, तो कलर चेंज होने के बाद अब हम इसे निकाल देंगे। और राई भुनने का सबसे पहचान ये है कि ये जब भुन जाती है तो ये उछलने लगती है धीरे धीरे करके पैन से। और ये है मेथी दाना, मेथी दाना हमने रोस्ट कर लिया है, ये लाल लाल मिर्च भी हमने रोस्ट कर लिए। देखिए ये हमने हल्दी ली है स्वाद अनुसार, और ये नमक, हल्दी हमने 2 चम्मच ली है मीडियम साइज के। और मसालों को हम बिल्कुल दरदरा पीस लेंगे मिक्सी में, और मसाला आपको मोटा ही पीसना है, तो जो दरदरे मसाले का स्वाद है वो बहुत अच्छा आता है। देखिए और इन सभी मसालों को हम ये मिला लेंगे। और इन सभी मसालों को मिलाने के बाद आपको इसमें तेल डालना है, 2 चम्मच तेल डालकर आपको सभी अच्छे से मिला लें, जिससे कि ये कहीं भी इनमें ऐसा ना हो कि नमक और मिर्च मिल ना पाए, पूरे मसाले में अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से आपको सेट कर लेना पूरा मसाला, कहीं भी ऐसा ना हो गुठली रह जाए इसमें। बिल्कुल अच्छे से मिलाने के बाद आप लेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप कट कर लेंगे चाकू की सहायता से। हरी मिर्च को कट करने के बाद फिर आप इसमें मसाला भूनना शुरू करेंगे। इस तरह से कट करना है कि इसमें से मसाला बाहर ना आए और आसानी से बच जाए। और आप चाहें तो इसके अंदर के बीज को निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें ही इसमें चम्मच से भरते समय आप क्रश कर लीजिए या हाथ से, तो इसके अंदर आपको ये मसाले, ये बीज मसाले में ही मिल जाएंगे। उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जो नॉर्मल मिर्च मिलती हैं उनसे काफ़ी, सर्दियों वाली मिर्च रहती हैं अचार की, वो बहुत ही अच्छी होती हैं। और ये अचार आप 3 दिन बाद खाना शुरू कर सकते हैं बनाने के बाद। जब अब देखिए हमें मिर्च बहुत ली है, सभी मिर्चों को ऐसे ही भरेंगे, जितना आप मसाला चाहें भर सकते हैं, या ज़्यादा या कम, लेकिन मैं इसमें मीडियम भरूंगी मसाला। मिर्च में सभी भर चुकी हैं। बनने के बाद फिर हम इसमें तेल डालेंगे, तेल
जो हम तेल यूज करेंगे, पहले से हम गर्म कर चुके हैं तेल को, तो अब हम इसे हल्का सा दोबारा गर्म करेंगे तेल को, गुनगुना होने के लिए रख दिया है। हम इसे